और शायद कुछ मिल जाए छत पे देखने से तो कुछ भी मिल जाता है। भाई दो दिन अब्बा आप छत पे? अबे हम तो आते जाते रहते ही हैं, हमारा क्या है? तू क्या कर रहा है उस तरफ? इधर को आ। तू छत पे क्या कर रहा है? वैसे अब्बा आपको छत से कुछ मिला था? नहीं हमको तो कुछ नहीं मिला, हालांकि हम तो टाइम सेट करके आए थे भाई। टाइम सेट करके आए थे? किससे? अबे मलिक साहब से। मलिक साहब से आप टाइम सेट करके छत पे आए थे? अब्बा माजर के साथ इतनी बज़ौकी की उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। आपको बज़ौक कह रहा जूता उतार, बज़ौक कहता है? कहाँ की बज़ौकी बे? हमने मलिक साहब से कहा था कि भाई खुली फिजा में आ जाओ, थोड़ा सा राशन पानी का हिसाब किताब ठंडे में तय कर लेंगे। वाह वाह, छत पे राशन का हिसाब किताब सेट हो रहा है। अब्बा आप तो बुड्ढे हो गए। जो गए बाप को बुड्ढा कहे? अब्बा असल में जुलेखा की छत से ना कोई चीज गायब हो गई है, तो मैंने सोचा कि शायद आपको पता हो। तो बेटे तुमको जुलेखा की छत से और उसकी चीज से क्या लेना देना? वो अब्बा वो सही सही बता दे, तुझे कैसे पता चला कि जुलेखा की छत से डीवीडी गायब हो गया? डीवीडी गायब हो गया? मगर मैंने तो डीवीडी का नाम ही नहीं लिया। अरे तो मैंने ले लिया, चलो क्या हुआ? वो असल में अब्बा मैंने देखा था किसी को सामान गायब करते। तुमको गलतफहमी हो रही है, उसको गायब करने वाले हम नहीं थे, हमारी शक्ल का कोई और हुआ। तो अब्बा मैंने कब कहा कि वो आप थे? अच्छा तूने नहीं कहा? अबे कितना झूठ बोलता है बाप से। अभी कह रहा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा डीवीडी गायब होते हुए। हैं सर डॉक्टर निकल गया सर। अरे शमी महाराज से मालूम करना पड़ेगा कि हमारा लौंडा ये छत पे क्यों आता, वो भी बशारत की। आप हमारा रास्ता क्यों रोके हुए? सामने से हटिए, मुझे घर जाना है। अरे हम सोच रहे हैं कि आपको आगरे ले चले, ताजमहल में मुमताज महल से ज्यादा हसीन लगेंगे। ताजमहल? हाँ ताजमहल के बिल्कुल बराबर वाला घर है हमारा। आओ बताते, खिड़की बिल्कुल ताजमहल के अंदर खुलती है, जब दिल चाह खिड़की फैलांगी और ताजमहल के अंदर चले गए। बैठो बैठो बैठो। ताजमहल कितना हसीन लगता होगा ना। तो फिर टिकट कटवा ले भाई आगरे का, आपको आगरे लेके चलेंगे, ताजमहल में मुलाकातें किया करेंगे। ठीक है हम कुतुब को भी साथ में लेके जाएंगे। कुतुब? भाई कुतुब को ले जाने की क्या जरूरत है भला? मगर फिर मैं ताजमहल की छत पे मुलाकातें किससे करूंगी? ताजमहल की छत पे? भाई आप मुलाकातें हमसे कीजिएगा ना, कुतुब को छोड़िए, वापस आके उसको सफर की कहानी सुना दीजिएगा। तो ताजमहल देखना नहीं है, टिकट कटवा ले। कटवा लीजिए। इतनी जल्दी राजी हो गई? क्या 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 क्या? नहीं मैं कह रहा हूँ जल्दी काहे की है, चलेंगे ना ताजमहल। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। असली क्या बात है, तू इतने दिन से छत पे भी मिलने नहीं आ रही और ना मुझे घर पे बुला रही है, सब खैरियत तो है? मुझे अब तुझसे नहीं मिलना। पर क्यों? क्या उस भुट्टे घुसड़ ने तेरी छितरौल तो नहीं कर दी? छितरौल तो होगी अब तेरी। मैं ना देखना बस तेरी शिकायत करूंगी कि तू मुझसे बहाने बहाने से मिलने के लिए आता है और हमारे घर के सारे सामान भी खराब करता है और हमारे घर में घुसता है। पर क्यों? देख मैं काफी दिन से देख रहा हूँ तू ना मुझे कटाने की कोशिश कर रही है, बात क्या है सच सच बता। क्योंकि मेरा ना टिकट कटने वाला है। क्या? तो तेरा टिकट क्यों कटेगा? तेरी अभी उम्र ही क्या है, टिकट कटाना है ना तो अपने अब्बा का कटवा, उसकी उम्र है ऊपर जाने की। मैं उस टिकट की बात नहीं कर रही। अच्छा अब तो फिर कौन सा टिकट कटेगा तेरा? मैं तुझे अभी नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं कभी भी नहीं बताऊंगी। जब उड़ जाऊंगी ना तो खुद ही पता चल जाएगा। पंखाते तो उड़ जाती मैं रसिया उबाल माँ, तुझे दिल का हाथ बतलाती।
ये से क्या हो गया था? पता नहीं अब्बा। और तू ये क्या कर रहा है? चल घर चल। बदबख कहेंगे दरख के नीचे वो भी नीम के। आप हमें अंदर कहाँ ढूंढ रही हैं? हम तो यहाँ हैं। आप अब यहाँ? इस कदर हैरान क्यों हो रही हैं आप? हमारी ही मुंतजर थी ना। हैरान मुंतजर। बड़े प्यार से दोहराया आपने ये नाम। आजकल रोज आना आ जाते हैं ना ख्वाबों में। क्या? अब मेरा मतलब है आजकल वो ख्वाबों में डराने आ जाते हैं ना बहुत ज्यादा। आप शमीम आरा बेगम को उनके साथ अकेला मत छोड़ा कीजिए, बहुत खतरनाक आदमी है वो। आप जाइए शमीम आरा बेगम के पास जाइए, कहीं मुंतजर मियां उन्हें बरसा ना दें। हमारे साथ तन्हाई मयसर आने के बावजूद आप हमें शमीम आरा के पास भेज रही हैं? अब वो मेरे कहने का असल में मतलब ये है वो मुंतजर उन्हें कहीं उल्टी सीधी पट्टी ना पढ़ा दें। आप जाइए फौरन जाइए अंदर और मुंतजर को यहाँ भेज दीजिए। क्या? मेरा मतलब है निकाल दीजिए उन्हें, घर से बाहर निकाल दीजिए उन्हें। अरे चाहते तो हम भी यही हैं कि वो टले, मगर वो टल के नहीं दे रहा क्योंकि शमीम आरा की खुशा है। टल जाएंगे टल जाएंगे, जब वो आगरे के दो टिकट कट डाले तब टल जाएंगे। हाय पंख होते तोड़ आती रे रसिया ओ बाल मां, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। हो क्या हो गया, डराए दिया आपने हमें? हम तो सिर्फ गाना गुनगुना रहे थे। वो भी हमें देखे बगैर? अब माफी चाहते हैं, निकल गया था हमारा गाना जिस बात में। पंख होते तोड़ आती रे रसिया ओ बाल मां, तुझे दिल का हाल बतलाती रे। ओ एक बात बताइए, ये सबको पंख क्यों लग गया आजकल? किसको पंख लग गया मिर्जा? आपको, कहां उड़ी जाने दी, बैठिए। अरे भाई हम कहां उड़ेंगे, 27 साल से तुम्हारे साथ झक मारे, कब के पर कर चुके हमारे, अब कैसा उड़ना। अभी तो उड़ी फिर रही थी। अरमान तो होते हैं ना मिर्जा, अब क्या करें हम नहीं उड़ सकते तो। हाय आगरा। पंख होते तोड़ आती रे रसिया ओ बाल मां, तुझे दिल कहां। बुढ़ापे में इंसान फटिया जाता है, ये तो पगला गई। आपने बुलाया मुझे? हम आगरे के टिकट कटवाने जा रहे हैं, दो कटवाएंगे, एक आपका एक हमारा। सच्ची? मुझी कितने अच्छे हैं ना। अरे वाकई मुझे ना बड़ा शौक था टिकट कटवाने का। नहीं वो ताजमहल देखने का। अरे आपका ये शौक समझिए खत्म, अब आप ताजमहल में ही रहेंगी, हम वहाँ रोजाना लंगड़ी पाला खेलेंगे खिड़की फैलांग के। कोई आ रहा है? कोई आ रहा? कोई आ रहा? अरे कोई नहीं आता, लड़कियाँ ऐसी बोलते कोई नहीं आता। नहीं नहीं सच, बैठे बैठे बैठे, दोनों साथ बैठते ना। अरे क्या हो गया? अरे यार एक लड़का क्यों छुपता, दोनों छुप जाते। खुद तो पा रहे हो तो आप छुप जाए। आगरा, हाय आगरा। बेगम क्या ऐसे हमारे दिल में ख्याल आया कि अचानक आपके दिल में आगरा जाने की हसरत क्यों करवटे लगी? कभी तुमने तो झूठे मुंह नहीं पूछा कहीं ले जाने को, अब एक ख्याल करने वाला मयसर आया तो वक्त नहीं है हमारे पास। किस चीज का वक्त नहीं है? ख्याल करवाने का। भाई आप वक्त की परवाह मत कीजिए, शौक से ख्याल करवाइए, और ये ख्याल बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप इस उम्र में किसी और से अपना ख्याल करवाएंगी तो मैं क्या ख्याल करूंगा, मैं कोई ख्याल नहीं करूंगा।
क्या बके जा रहे हो? हम तो ये कह रहे हैं अगर आपको आगरा जाना ही है तो आप जाइए, अपना शौक पूरा कीजिए जाके, हम अपने शौक यहाँ पूरे कर लेंगे। क्या? अरे मुंतजिर तो कब से हमारा टिकट कटवाने के लिए तैयार बैठे, लेकिन मैं जा कहाँ सकती? किस किस के टिकट कटवा रहा भाई? आए एक ही दफा में सारा रिवॉर्ड हंकाने के चक्कर में लगा भाई। यहाँ तो बड़ी खुशी हो जाएगी, कुछ इलाज करना पड़ेगा। ये तू इतनी घबराई भी क्यों है? तेरे बंद तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो ताजमहल है। ताजमहल अंदर है वो? आगरा 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 नहीं, वो आगरा में ताजमहल। हाँ आगरा में ताजमहल है। अबे तो ये तुझे आज पता चला? अबे पता तो इसे पहले भी था, देखने का मौका अब मिलेगा। हमारे साथ जा रही है ताजमहल आगरा। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने करने का दिया फौरन तो आ गई। मतलब तू इसके साथ जा रही है? हाँ तो तू तो मुझे लेके जा नहीं सकता ना, इसलिए मैं ना मुंतजिर के साथ जा रही हूँ। और सिर्फ जा नहीं रही हूँ बल्कि मैं वहाँ पे रहूंगी भी, वापस नहीं आऊंगी मैं वहाँ पे। हाँ अच्छा, तो मतलब तू मुझे छोड़ के जा रही है, धोखा देके जा रही है। हाँ। भाई बात सुन, अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं है, इसका टिकट कट चुका है, ये हमारे साथ जा रही है और तेरा टिकट मैं कटवा के जाऊंगा। ये तो अच्छा नहीं कर रही सुलेखा। ना तेरे बाप से ताजमहल में छापा पड़वाया ना, और ना वहाँ से हीरोइन बरामद कराई, मेरा नाम भी वफा ढूंढने निकले थे और वफात पा गए। बहुत ही वाहियात शेर। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि आगरे में आप रहते हैं बिल्कुल ताजमहल के साथ में? अरे बस जी ये समझिए कि बस दीवार से दीवार मिली हुई है, हम अपने घर की और ताजमहल की खिड़की फैलांग के सीधा ताजमहल के अंदर। फिर तो जो ताजमहल के दाएं साइड पे एक पान शॉप है वो तो देखी होगी? पान शॉप? हाँ हमारे दोस्त की है इरफानुल्लाह। अबे इरफानुल्लाह पान शॉप, हम जब भी आगरे जाते हैं उसी दुकान से पान खाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इरफान उल्ला पान शॉप, बिल्कुल ठीक कहा। हम भी रोजाना वहीं से पान खाते हैं भाई, सादा खुशबू पान तो बहुत ही मजे का बनाता है इरफान उल्ला। ये बात हुई ना। बस देखो ताजमहल के अंदर दाखिल हुए, शाहजहां का कमरा आया, उसके बराबर में है मुमताज महल का कमरा है, और उसके जो तीसरा कमरा साथ में है उसमें हमारे दोस्त गुलफाम खान साहब ने अपना तंदूर लगा रखा है। गुलफाम खान हमारे यार हैं, तंदूर है उनका। अरे खमीर के आटे की रोटी का जवाब नहीं उनका। हाँ, गुलफाम खान की रोटियों का तो जवाब नहीं, हम भी रोजाना वहीं से रोटियां लेते हैं। बस ताजमहल में अंदर दाखिल हुए, शाहजहां के कमरे में गए, वहां से मुमताज महल के कमरे में गए, और वो तीसरे कमरे में गुलफाम खान के तंदूर से रोटियां लेकर खिड़की फैलांग कर सीधा अपने घर में। भाई तिल के कुलचों का तो जवाब नहीं है, बहुत मजे के बनाता है। तिल के कुलचे? हाँ मैं लगाऊंगा। अब बात ये है, ठीक है, इसका मतलब है ये आगरा और ताजमहल साफ ड्रामा है, ये कभी जिंदगी में आगरा गया ही नहीं है। फिर ये चक्कर क्या है, कहीं ये खूबसूरत औरतों को बेवकूफ बना के अगवा तो नहीं करता? नहीं, चूंकि ये छवि मारा को बेवकूफ बना रहा है लिहाजा खूबसूरत हटा देते हैं। ये सिर्फ औरतों को बेवकूफ बनाता है, इसकी असलियत पता करनी पड़ेगी मिर्जा।